चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है जब देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर पर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती। यह चैतन्य तत्व ही मैं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है और आंशिक वितरागता प्रकट होती है। मुनि धर्म अंगीकार करना ये देह की क्रिया का स्वरूप नहीं, ये आत्मा की अंतर परिणति की निर्मलता ही मुनि धर्म। तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव से जो वितरागता प्रकट हुई उस वितरागता का नाम ही मुनि धर्म। चलते फिरते सिद्धों से जो है वे ही मुनि। मैंने सिद्धों को देखा नहीं मगर मुनियों के उस एकाग्र ध्यान में स्थित मुनि का स्वरूप को देखा कि सिद्धों का स्वरूप स्मरण में आए।
जानने में आता है, मगर उन वेदों के जानने के काल में यहाँ जागृति के ज्ञान में कोई भेद नहीं, ज्ञान को कोई प्रयोजन ही नहीं, और उसे इतना ढीला छोड़ो कि कौन सा ज्ञेय अभी जानने में आ रहा है। जोर यहां पर ही हो कि यहां जानना 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 ये हो रहा है, बस ये प्रवाह बह रहा है। और तब तुम्हारी शिकायत मिटेगी कि घर से कैसे छूटो, परिवार से कैसे छूटो, विकारों से कैसे छूटो। प्रति समय यह जागृति अपने साथ में तुमने रहना सीख लिया, तो सबसे अधिक भय जो अकेला रहने का था उस भय से तुम मुक्त हुए, क्योंकि उस एक के साथ में तुमने जीवन जीना सीख लिया। ये चैतन्य, ये जो निरंतर ज्ञान 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 खेल बना रहेगा। भोजन के लिए भी अब उठ करके जाना पड़ रहा है, उसका भी खेद होगा। पानी पीने के लिए भी ये कहां अपने चैतन्य की मस्ती में मस्त था और किसी ने याद भी दिला दिया कि पानी पी लो। ऐसी स्थिर था, ऐसी स्थिरता जब प्रकट होती है तब जीव वैराग्य के परिपक्व होने पर मुनि धर्म अंगीकार करता है। इतनी अंतर में गहराई, महावीर भगवान जब नग्न हुए तब वे खुद नग्न नहीं हुए थे, उन्होंने सारे जगत के जीवों का वस्त्र और उस वस्त्र का मूल्य शून्य कर दिया। वो खुद नग्न नहीं हुए, उन्होंने सारे जगत को नग्न कर दिया था। उन्होंने नग्न होकर के ये बताया कि तुम जिसे छुपाते हो ये व्यर्थ, पूरा जीवन जो तुम गवाते हो ये इस शरीर के अतिरिक्त तो वो है ही क्या। और ऐसी सहज दशा, कोई मोटा है कोई पतला है, कोई लंबा है कोई ठीकना है, तुम जिस शरीर को ढांक रहे हो वो शरीर इसके अलावा क्या है। तो भगवान ने नग्न होकर के जगत के जीवों का जो वस्त्र का मूल्य था उस मूल्य को शून्य कर दिया। और ऐसी जब अंतर की परिणति की निर्मलता हो कि जब सहज ही ऐसी नग्नता प्रकट हो, वो तब होगी कि जब चैतन्य सागर में अंतर में इतनी आनंद की मस्ती में आप रहते हो। कोई अब दुखी नहीं कर सकता, दुखी करने के लिए जानवर भी आए आपके शरीर को खाने के लिए, अब दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने दुखी होने का निर्णय ही छोड़ दिया जो पहले था। अब खुद जब आनंद में रहने को तैयार हुए कि कोई दुखी, प्रतिकूलता में भी प्रतिकूलता नहीं दिखेगी, एक दृष्टि ऐसी प्रकट होगी। जीसस को कुत्ता काटने गया और जीसस ने कहा कि कुत्ते के दांत बहुत चमकते हैं। किसी ने पूछा कि कुत्ता काटने आया था कैसा लगा वो कुत्ता, बहुत नफरत हुई होगी, बोले उसके दांत इतने चमकते थे, वो चमकते दांत की और दृष्टि। मगर एक ऐसी दृष्टि कि न तो काटने के लिए आया तो द्वेष, न तो चमकते दांत पर राग, कोई भाव नहीं, यहां तक कि
वो पता ही न चले कि क्या हुआ। और ऐसे स्वरूप की स्थिरता, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा अंतर में कनेक्शन, वो ऐसा संपर्क अंतर में, कहीं ना कहीं जुड़ाव ऐसा कहीं ना कहीं है। उस जुड़ाव के बल पर ही वो वैराग्य, दुनिया की दृष्टि में ऐसा होगा कि ये व्यक्ति बिल्कुल दुखी है। दुनिया यही कहेगी कि कल तक तो हंसता था, नाचता था, ऐसी अच्छी अच्छी तरह से हमारे साथ बैठ करके बातें करता था। ये स्वार्थी देखो एक कोने में जाकर के ध्यान करने बैठ गया। पूरी दुनिया की दृष्टि में दुनिया आपको पागल कहेगी, मगर आपकी यात्रा वो ठीक दिशा पर हो रही है, क्योंकि चैतन्य की जागृति अंतर में प्रकट होने पर कभी कभी ऐसा होगा। शरीर का नाम भी तुम्हें विचार करना पड़े, कभी कभी ऐसा तुम्हारा गांव का नाम, शहर का नाम, माता पिता, ये सब परिवारजन तुम्हें विचार करना है कि ऐसा साहस एक ज्ञान दीपक अपने में प्रकट कर, कि ऐसे चैतन्य तत्व में स्थिर होने पर ऐसी दशा प्रकट होती है, तैयारी रखना। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, उसकी फिक्र ही न रही, चिंता ही न रही। इसलिए न रही क्योंकि मुझ में तो कुछ होता नहीं है, मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं, और जहां होता है वो मैं नहीं, जो होता है वो मैं नहीं हूं, और मुझ में कुछ होता नहीं है, तब होता है उसका भय, चिंता और व्यर्थ का कोलाहल। कभी कभी तुम्हें ऐसा वैराग्य आएगा मगर वो लंबे काल तक टिकेगा नहीं। जैसे ही तुम उठोगे तुम दूसरी क्रियाओं में व्यस्त हो जाओगे कि ये जो वर्तमान में आ रहा है भाव वो छूट जाएगा। वो कैसे टिक करके रहे, उसका एक उपाय है, वो उपाय मैं आपको कहता हूं। कभी जब सुनते हो तब इतना वैराग्य से भर जाते हो, पर परिणाम फिर बाद में ऐसे पलटते, इसलिए पुराने भोगों की यादें जो संस्कार में अंतर में पड़ी वो खींच करके बाहर ले जाना चाहते। पुरुषार्थ इतना कमजोर है कि वो अंतर की पड़ी हुई जो वृत्ति है से बाहर व्यक्त होती। ऐसा मत समझना कि अभी वो वृत्ति नहीं पड़ी, जब वैराग्य वाला चित्त तुम्हें लगता है तब वो वृत्ति नहीं पड़ी, ऐसा नहीं, तब भी पड़ी, मगर वो ऐसी उस समय के लिए छुपी वृत्ति पड़ी, वो वही वृत्ति बाद में प्रकट होती, अभी भी वो वृत्ति पड़ी। इसलिए जब तुम शांति से बैठे हो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत शांत हूं, मगर तभी तुम्हें कोई समाचार दे कि जिस बैंक में तुम्हारे रुपये जमा किए वो बैंक ही उठ गई, बंद हो गई, कोलाहल मच जाता है। इतने विकल्प होते, ये क्या, थोड़ी देर पहले तो शांत थे, वो शांत थे उस शांति के काल में भी वो अंदर में छुपा पड़ा था कि वो रुपये पड़े। तुम्हारे विकल्प में वो नहीं आता मगर अंदर में वो स्टोर, अंदर में वो पड़ा है,
मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा घर है, मेरे रुपये है, ये धन सोना चांदी, ये विकल्प में नहीं आता, ये अंदर में तुम्हारे अंदर में स्टोरेज में पड़ा है। और जैसे ही वहां कुछ टूट फूट हुई कि तुम्हें एहसास होता है जैसे तुम्हारा हृदय का टुकड़ा कोई अलग हो गया। और जब भी तुम सुनने के लिए बैठे थे तब क्या होता है, तब वो जो वृत्ति है वो वृत्ति थोड़ी मंद तो होती है मगर छूटती नहीं। और चैतन्य तत्व के आश्रय से जब वो वैराग्य प्रकट होता है तब पूरा जागृति से फिर उसमें कंटिन्यूटी एक धारा चलती है। निमित्त पलटने पर भी एक धारा न पलटे। अभी आप मेरे साथ बैठे हो, मेरी बातों को सुनते हो, मेरे जाने के बाद में आप जिन्हें भी मिलोगे उनके साथ यदि बात होती है तो यही चैतन्य तत्व की है। ऐसे ही निमित्तों में रहना और न मिले तो खोज भी करना, खोज करना कि बचना है ऐसी संगति से जहां चैतन्य परमात्मा की चर्चा न होती हो, सत्संग न होता हो, जहां बात बात में स्वरूप घटित न होता हो। और आज इस भूमिका में बहुत जरूरी है आपके लिए, क्या होता है डॉक्टर मुझसे कहते हैं रोज 8 किलोमीटर चलना, फिर ये न खाना ये न खाना ये न खाना, और 8 दिन तक पूरी तरह से पालन किया, जो नहीं खाना था जो खाना था वो समय पर खाना था वो सब पालन किया। और 8 दिन के बाद में फिर पनीर टिक्का हलवा दाल तड़का ये सब एक साथ में खा लिया तो सब वजन बढ़ गया, 8 दिन का जो कम हुआ था वो 1 दिन में ही बढ़ गया। ऐसा ही होता है कि तुम सुनते हो, अब तुमने किसी मित्र के साथ में बात की, परिवार जन में किसी के साथ में बात की, तुम्हारी बातों में कोई चैतन्य तत्व की बात ही नहीं थी, कोई मजा मस्ती पुरानी बातें, जितना तुमने सुना था और जो अपने को तैयार किया था उस पर पानी फूक गया। इसलिए नियमितता बनी रहे और इस भूमिका में बहुत जरूरी है, जब तक अनुभूति को उपलब्ध नहीं होते ऐसी ही संगति की खोज में रहना कि जहां वैराग्य उत्तरोत्तर वृद्धि गत हो। बचना असद निमित्तों से, बचना। कोई निमित्त तुम्हें दुखी नहीं करता मगर फिर भी असद निमित्तों से बचने को परम कृपालु देव ने कहा, सत्संग नहीं खोज कर, सत्पुरुष नहीं खोज कर, एक सत्पुरुष ने सोधी ले, ये क्यों कहा? कहीं पर भी रहो और चैतन्य का चिंतन करना, ये नहीं कहा, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम खुद अपने पर ही घटित करके देखना परिणाम कैसे कैसे हो जाते हैं, एक बार विचार करना और तुम पाओगे कि सत्संग की कितनी जरूरत है। वैराग्य लंबे काल तक टिक करके नहीं रहता, यदि चैतन्य के लक्ष्य से चैतन्य के आश्रय से वो वैराग्य प्रकट न हुआ। इसलिए तो जब मृत्यु होती है किसी की,
परिवार जन रोने धोने में कितने लगे, कितने कि अरे देखो क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। दो दिन के बाद में फिर सब भूल जाए। तब तो बहुत रोना धोना होता था, मगर वो क्या था, वो वैराग्य टिकने वाला नहीं। वैराग्य तब तो दो दिन भी कहा, पहले के जमाने में ऐसा था। यहां पर इस गांव में भी हमारे घर में ही ऐसा होता था कि मोहल्ले में शेरी माँ कोई गाय मरी गई हुई, तो गाय की लाश जब तक नहीं उठती थी तब तक घर में कोई पानी नहीं पीता था। और अभी मैं देखता हूं शमशान में ठाट से चाय पीते। वैराग्य शमशान में भी कहां रहा, जिसको हम पहले कहते थे शमशान वैराग्य, उसको नाम देते थे, अब तो वहां पर भी नहीं रहा। वैराग्य चैतन्य तत्व के आश्रय से वो सदा काल के लिए रहे। और ऐसे वैराग्य के साथ में परिवार जनों से विदा होना, उसके लिए ज्ञान दीपक मैं तुम्हें तुम्हारा 24वां लक्षण आज कहता हूं। ज्ञान दीपक तुम वैराग्य दीक्षित होना। दीक्षित तो बहुत बार हुए मगर वैराग्य दीक्षित नहीं। वैराग्य का भाव प्रकट न हुआ तो पेड़ के नीचे जाकर साधना करने बैठेगा और पेड़ की डाली ऊपर से टूटी और नीचे गिरी और सिर पर गिरी तो वो डाली पर भी गुस्सा आएगा। ये बिना वैराग्य का मुनि हुआ तो वो डाली पर भी गुस्सा करेगा। और वैराग्य के साथ में गृहस्थ अवस्था में भी रहा और किसी ने सिर पर लाठी मारी तो उस समय भी वो ऐसे स्वीकार करेगा कि ये संजोग की बात थी। ये जैसे पेड़ के नीचे बैठता और मेरा बैठना और डाली का वहां सिर पर आना। अब कोई लाठी मारता है सिर पर तो ऐसा कि उसका लाठी का वहां नीचे आना और मेरे सिर का यहां होना संजोग की बात। पर उस लाठी मारने वाले के प्रति भी इतना सहज भाव, वो गृहस्थ दशा में हो तो भी वो ज्ञानी है। और मुनि होने के बाद में यदि वो पेड़ के नीचे बैठे और लाठी गिरे और गुस्सा करे वहां पर भी वो ज्ञानी है। महत्वपूर्ण ये नहीं है आप कहां बैठे हो, जहां बैठे हो वहां वैराग्य से वैराग्य का अर्थ ऐसा नहीं कि रोना धोना प्रारंभ हो। वैराग्य का अर्थ है कि फिसलता नहीं, सिर पर तलवार लटक रही है और जिसे पूरी तरह से होश में कभी भी गिर सकती। इस जगह पर बैठने योग्य नहीं, उठ जाओ यहां बैठने योग्य। जब भी वो विकल्प वो राग राग का भाव आत्मा में उत्पन्न हो तब राग में बैठने योग्य नहीं है। यह पद तुम्हारा पद नहीं।
पद पद में सो रहे। जब भी तुम्हें भोजन करने का विकल्प आए कि तुम्हें ये जागृति रहे कि ये विकल्प ये पद ये विकल्प ये पद ये विकल्प ये पद ये मेरा पद नहीं, मैं वहां विराजमान क्यों होता हूं, भोजनशाला में नहीं भोजन करने के विकल्प में मैं क्यों विराजमान होता हूं कि ये मैं। अपनी चैतन्य की सत्ता चैतन्य सिंहासन को छोड़कर के विकल्प के जाल में क्यों फंसता हूं। और इसलिए पूरी जागृति कि जब वो वैराग्य का भाव का वैराग्य माने कि अंतर की जागृति मैं कहां हूं और वो राग का भाव कहां पर है और दोनों के बीच में इतनी दूरी देख लेना, बस वो ही वैराग्य, वो वैरागी हो गए। ऐसा नहीं है कि उसे राग नहीं आता, राग तो आता है मगर राग के भाव में भी एकत्व भाव छूट गया, अपनापन छूट गया और स्वरूप के आश्रय से। चैतन्य तत्व के आश्रय से भगवान अनादि अनंत सत्ता स्वरूप ये भगवान आत्मा और उस भगवान आत्मा में ध्यान का ढल जाना, परिणति का ढलना स्वरूप की ओर, और बाहर में जो भी कार्य होते हैं, बाहर में जो भी व्रतादि का पालन होता है, उन व्रतादि के पालन में थोड़ी भी रुचि नहीं, वो देख करके चलता है। साधु का अर्थ ये नहीं कि अब कैसे भी प्रवर्तन करेगा, वो चार हाथ जमीन देख करके चलता है। स्त्रियों की परछा भी उस साधु पर नहीं पड़ती, उतना स्त्री से वो दूर रहता है। आहार लेने का विकल्प आता है, मुनि अवस्था में ये सब कार्य होते हैं मगर पूरी तरह से जागृति है, क्रिया में नहीं, ये विकल्पों में मैं फैला नहीं। जैसे हवा आई और हवा गई, हवा आई और गई, ऐसे ही ये जो विकल्प होते हैं व्रतादि को पालन करने के, और ये विकल्प होते हैं कि चारा जमीन देख करके उस समय ये जागृति, उसे प्रवाह इतना स्पष्ट दिखाई देता है। चलते हो तब चलते समय पैर की गति को जैसे देखते हो, ऐसे ये विकल्प की चींटी के ऊपर मेरा पैर न पड़े, चींटी को बचाओ, ऐसा विकल्प आया, वो विकल्प के प्रवाह को देखते हैं और विकल्प के प्रवाह को जब देखते हैं तब मैं अपनी सत्ता में टिक करके रहने वाला कार्य त्याय अटली दूरी नो एहसास थाय त्यारे ए जीव ने वैराग्य पूर्वक मुनि धर्म अंगीकार करवानो हवे दशा प्रकट थे। मुनि धर्म अंगीकार करने का जो भाव है, मुनि धर्म अंगीकार करने का भाव, उस भाव को भी अधर्म कहा। जो भाव अपने स्वरूप की सत्ता में नहीं, जो अनादि से नहीं, अनंत सिद्धों से विपरीत मार्ग पर चलना जिसने छोड़ दिया,
अनंत सिद्धों का मार्ग वो वैराग्य का मार्ग। और ये जो मार्ग ये वैराग्य का मार्ग, नाचना गाना उछलना कूदना मजा मस्ती इस मार्ग में नहीं। ये मार्ग ऐसा है मुनियों को कभी खिलखिलाते हुए हंसते हुए देखा नहीं, महाराज साहबों को देखा कि वैराग्य नहीं। स्वरूप को जब जानता है उस भूमिका में एक आशा अपेक्षा ही नहीं रही, वो स्वरूप को जान करके बैठा है। स्वरूप को जब जान करके बैठा है तब कहीं पर भी अटकना नहीं। इसलिए तो मैं ये तुम्हारा लक्षण कहता हूं वैराग्य दीक्षित होना। फिर दृष्टांत मत देना वो देवों के, सौधर्म इंद्र भी नाचता है, सौधर्म इंद्र एक बार नाचता है, तीर्थंकर का जन्म कल्याण होता। और उसके दृष्टांत लेकर के तुम रोज रोज चार चार दिन आठ आठ दिन में जहां जहां पंच कल्याणक हुए, जहां जहां कोई प्रसंग उछल कूद करने लगते हो सौधर्म इंद्र के नाम से, यदि तुम्हारे आत्मा में यदि ये चैतन्य की सचमुच स्पर्शना हुई हो, भक्ति का भाव तुम्हें आएगा मगर उसमें उछल कूद भी जाएगी। वो इतना उदासीन भाव होगा और वो भय के कारण नहीं कि दूसरे को कैसा लगेगा, तुम जो अभी नहीं नाचते वो भय के कारण कि दूसरे को कैसा लगेगा। यदि कोई कहे कि मैं यहां नाचता हूं तुम कहोगे नहीं नहीं वो खराब लाश खराब लगेगा इसलिए मत नाचना, मगर इसलिए नहीं कि ज्ञान दीपक तो इतना वैरागी होता है कि उसे उछल कूद करने का बुद्धि से ऐसा भाव नहीं आता, वो प्लानिंग नहीं करता उछल। ये वैराग्य का स्वरूप बहुत गहरा स्वरूप। जैसे तुम किसी मृत्यु मरते हुए व्यक्ति को देखो तुम्हें उछल कूद करने का भाव आएगा। यहां तो राग को ही मैं मरता हुआ देखता हूं, किसी और को नहीं। उछल कूद करने वाले भाव को ही मरता हुआ देखा कि वो भाव मिटा। वैराग्य जब प्रकट हुआ कि निश्चिंता ऐसे प्रकट होती, वैराग्य प्रकट होने पर मुनि धर्म अंगीकार करता, परिचित होने का भाव भी नहीं। अभी जैसे तुम देखते हो महाराज साहब पूछते कया गांव थी आया, सुनाम सु काम करो जो साधु वैरागी होता है उसे तो भूतकाल के जो परिचित थे उनसे भी अपरिचित हो गए। बहुत बार ये परेशानी मेरे साथ में होती है, मुझे मेरे मामा के लड़कों के नाम किसी के याद नहीं। अब वो यहां आते हैं तो आते हैं तब चाचा के लड़के के नाम मुझे याद नहीं, तो यहां आते हैं तब उनको बुलाना हो तो कभी मैं कहता हूं अरे लाल शर्ट वाले इधर आ जा, कि हरे टी शर्ट वाले तू इधर आ, तो उनको गुस्सा आता कि लाल टी शर्ट के इन सुकाम बोला बच्चा।
नाम ले बोला तो नाम नहीं याद रहता, याद ही नहीं रहता, बहुत बार बोले होंगे मगर याद नहीं। और उनकी यही शिकायत होती कि 1500 शास्त्र याद रहते हैं और ये नाम याद नहीं रहता। और मैं उनको यही कहता हूं कि ये नाम याद नहीं रहते इसलिए 1500 शास्त्र याद रहते, कि व्यर्थ का कचरा। क्योंकि मेमोरी कार्ड, एक बहन जी ने मुझे कहा कि मेरे मेमोरी कार्ड में प्रवचन स्टोर कर दो एक घंटे का, आज का प्रवचन। मैंने कहा कि मैं स्टोर नहीं कर सकूंगा। बोले कि क्यों, मेरा नहीं हो सकता। बोले इसमें 80 घंटे के स्टोर हो सकते हैं तो एक घंटे का क्यों नहीं हो सकता। और 80 घंटे के प्रवचन उन्होंने बताया कि देखो है, तो मैंने कहा है इसलिए ये नहीं हो सकता, थोड़ी खाली जगह रहती तो हो सकता, इतना भर दिया है अंदर। यद्यपि आत्मा का ज्ञान का स्वभाव है कि लोकालोक को जाने, मगर वर्तमान में अभी हमारे ज्ञान की हालत ऐसी है कि व्यर्थ का इतना तुम इकट्ठा करके बैठते हो, इसलिए जो याद रखने योग्य वो याद रहता नहीं। तुम्हें ये सब याद रहता है, तुमने क्या खाना बनाकर दिया था, मेरे घर पे आप आए थे 2 साल पहले मगर घर से उतर गए थे, वो तुमको याद रह गया, मगर कल तुमने मुझसे क्या सुना था वो तुम्हें याद नहीं रहा। वो सीधी सी बात है, तुम्हारी रुचि अभी वैराग्य से खटक ये हो, जब कांटो पर मां भाग्य वाले खटक तो हो ही नहीं, एवी रीते बैंस रीबे नाम कहता पगमा खाटो काटो वागे ने खटके एवी रीते आम विकल्प ना काटा खटकता नथी। एक प्लान तो रखा है कि कभी इन काटों से भी मुक्त हो। वैराग्य से परिपूर्ण आत्मा, किसी के साथ में बात करना को भी बोझ रूप लगे, कि अब इससे भी कब छूटूं। परिवारजन फोन करते हैं आपको, बात करनी पड़ती है, तब भी लगता है इतना समय भी वहां कहां व्यर्थ में बर्बाद हो रहा है, कि काका मजा माचे, काका नी तबियत सारी नथी, मामा नी तबियत सारी नथी, दीकरा नी तबियत सारी नथी, अब आमा ही क्या पड़वू पड़े छे, हवे तो एक कजा चैतन्य। एटलो खेद वर्ते कि व्यर्थ नो बधुज चैतन्य सिवाय नु जे कई पण छे बधुज व्यर्थ लागे। मैं तो ये भावना पाता हूं, यहां सुनने के लिए कमरे में बैठे थे और सुनने के लिए निकलना पड़ा, वो भी आपको कभी कभी ऐसा लगे अरे कहाँ जाना पड़ रहा। इतनी स्वरूप की अंतर की पूर्णता को ऐसे प्राप्त करो कि अब एक कदम भी तुम्हें आगे बढ़ाना बोझ रूप लगे, जरूरत ही नहीं रही कि जो है। और तब तुम ऐसा विचार एहसास मत करना कि कुछ तुम्हारा छूट गया, कुछ बाकी रह गया। महाराज साहब मुझसे कहते कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा वो संसार को भोगना अधूरा रह गया, मगर जब वो संसार को भोगने वाले लोग आकर के मेरे पैर छूते हैं तब लगता है कि नहीं मैंने अच्छा ही किया है, वरना ये पैर छूने क्यों आते। वहां पर वो आनंद होता तो वो यहां आते ही नहीं, वो जब छूने आते हैं तब तो ऐसा लगता है कि डिसीजन बराबर लिया, मगर जैसे ही वो चले जाते और अकेला होता हूं तब ये खटकता है कि कुछ मिस हो गया, मेरा भोगना कुछ रह गया। और वो वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य का मतलब कि अब तुम्हें एहसास ही ना हो कि कुछ बाकी रह गया, असार। ऐसा बोध तुम्हें हो जाए अधूरापन ही लगे, कुछ
चैतन्य की अनुभूति को उपलब्ध हो और मृत्यु के काल में तुम्हें ऐसा न लगे कि यहां कुछ अधूरा रह गया, कुछ अधूरा रह गया। ये जो भाव है वही उपयोग को वहां ले जाना हुआ कि लाओ ये पूरा कर लो, कुछ अधूरा जो रह गया। और इतनी पूर्णता के कुछ भी अधूरा नहीं। ये ज्ञान दीपक निकट काल में ही प्रज्वलित होंगे, सम्यक दर्शन को निकट काल में उपलब्ध होंगे। वो समय दूर नहीं, जिनको मैंने चुना है ऐसे ही नहीं चुना। बस तुम्हें एहसास ही ना हो कि कुछ अधूरा रहा। किसी से जैसे कोई वस्तु तुमने ली और रास्ते पर ही कहीं मिल जाएगी वापिस, तो पेन लेकर के निकले थे, पेन उसने रास्ते में ही मांग ली। देने को तैयार हो गए, उधार ली थी, रास्ते पर मिल जाए तो क्या हो गया, घर पर नहीं आया रास्ते पर आ गया, रास्ते पर लौटा दो। वो घर पर भी आ सकता था मगर रास्ते पर मांगता है तो तुम ये नहीं कह सकते कि तुम रास्ते पर क्यों मांगते हो, घर पर आके ले जाना। नहीं, तुम्हारी नहीं है, उधार ली लौटा। ये प्रकृति, ये शरीर के परमाणु मेरे पास मांगती है और रास्ते पर अकस्मात हो जाए और ये प्रकृति के परमाणु लौटा और रास्ते पर मांगे तो मैं मना ना कर सकूंगा कि नहीं तुम मेरे घर पे आना, रास्ते पर नहीं। उधार लिए हुए परमाणु है, मैं कहीं भी लौटाने को तैयार। इसलिए जब भी कदम कदम पर तुम यात्रा करो, प्रति समय यह जागृति, उस लौटाने की तैयारी पर एक अंदर की यह दृढ़ता, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को यह दृढ़ता, यही तो सम्यक दर्शन है, यही श्रद्धा का सम्यक होना, यही मान्यता, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी बलवती होना कि एक के संसार में कुछ भी बाकी नहीं रहा भोगना, भोगने योग्य कुछ भी नहीं, जानने योग्य कुछ भी नहीं, इतनी दृढ़ता। और यहां की परिपूर्णता की मैं अपने स्वरूप में ही सदा हूं, यहां से कभी जाता ही नहीं। पर और स्व दोनों का स्वरूप इतना स्पष्ट दृढ़ रूप से जिसके अंदर में टंकोत्कीर्ण हुआ, बस वही वैराग्य दीक्षित हुआ। हे ज्ञान दीपक, तुम वैराग्य दीक्षित होना, निकट काल में होगे। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सपने देखे, अभी और ज्ञान दीपक यहां प्रकट होने वाले आने वाले, ना मेरे जब ऐसा लगे कि निकट काल में उन्हें भी अब अनुभूति की यात्रा, एक समय की अनुभूति जो अनंत काल का दुख को भुलाने वाला, तुम दीवाना होकर के बैठने को यहां तैयार हो। ज्ञान दीपक साधक, आप समस्त परमात्मा होने अत्यंत विनयवान पूर्वक मुझे सुना। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, व्यर्थ में न बीता, उसमें आप परमात्मा निमित्त बने और मेरे लिए प्रत्यक्ष सद्गुरु तुल्य आपने कार्य किया, सत्संग करने का मुझे अवसर दिया। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार।